मित्रों, आपने बहुत से सीरियल किलर्स की कहानी सुनी होगी, लेकिन शायद ये बात आपके गले न उतरे कि एक महारानी भी सैकड़ों लोगों का कत्ल कर सकती है। जी हाँ मित्रों, इतिहास में एक ऐसी ही महारानी का नाम दर्ज है जिसने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक के बाद एक 600 से ज्यादा लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया था और फिर उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। आज की वीडियो में हम इसी महारानी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, एलिजाबेथ बाथरी यूरोपीय देश हंगरी की महारानी हुआ करती थी। दुनिया की सबसे खतरनाक सीरियल किलर महिला के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बाथरी का नाम दर्ज है। इस महारानी ने कितने कत्ल किए इसका ठीक ठीक आंकड़ा मौजूद नहीं है। एलिजाबेथ बाथरी और उसके चार साथियों पर साल 1590 और 1610 के बीच सैकड़ों युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रताड़ित करने और उन्हें जान से मारने का आरोप लगाया गया था। महारानी एलिजाबेथ बाथरी पर जब मुकदमा चला तो बताया गया उसने तकरीबन 650 कत्ल किए थे। ये संख्या महारानी की एक नौकरानी ने बताई थी जिसका नाम सुजैन था। इस लड़की के दावे के बाद अदालत के अधिकारी ने बाथरी की निजी किताबों में से एक में ये आंकड़ा देखा था। एलिजाबेथ के खिलाफ मिले सबूतों के बावजूद उसके परिवार के रसूख ने उसे फांसी पर चढ़ने से रोक दिया था। इस महारानी को दिसंबर 1610 में कैसजेट के केसल यानी अपर हंगरी में कैद कर दिया गया था। मित्रों, एलिजाबेथ बाथरी की खौफनाक सीरियल किलिंग की कहानियों को 300 से ज्यादा गवाहों ने बताया था, जिनमें उसके हाथों मारे जाने से बची बहुत सी लड़कियां भी शामिल थी। महारानी के महल के आसपास बहुत सी लाशें बरामद हुई थी जो बुरी तरह से कटी हुई थी। कुछ लड़कियों को उसने कैद भी किया हुआ था जो महारानी की गिरफ्तारी के वक्त उसके महल से मिली थी। मित्रों, बाथरी की कहानियां आज भी दिल को दहला देती हैं। कहते हैं कि वो अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए कुमारी लड़कियों के खून से नहाया करती थी। उसकी खौफनाक कहानी पर लोक गीत भी बने हैं जिनमें उसके राक्षसी कारनामों को आज भी याद किया जाता है। मित्रों, साल 1585 से 1610 के बीच यूरोप के हंगरी में इस महारानी का बड़ा खौफ था जो उसकी गिरफ्तारी के बाद भी सालों साल तक बना रहा था। कहा जाता है कि ये सीरियल किलर महारानी एक बहसी महिला थी। इसकी कहानी और कारनामे आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। महारानी एलिजाबेथ बाथरी ने 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या की और उनके खून से वो नहाया करती थी। किसी ने महारानी को उसकी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए कुमारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी, जिसके बाद उसने बहसीपन की तमाम हदों को पार करके 600 से ज्यादा कुमारी लड़कियों का कत्ल कर दिया। हैरानी की बात तो ये है मित्रों कि महारानी एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी भी किया करती थी। कहते हैं कि वो लड़कियों का खून करके उनके मांस को अपने दांतों से काटकर निकाल लिया करती थी और महारानी की इस हरकत में तीन नौकर भी उसका साथ देते थे। महारानी एलिजाबेथ बाथरी राज घराने से थी जिसकी शादी फेरेंक नेडेशडी नाम के एक शख्स से हुई थी जिसने तुर्कों के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल की और उसके बाद उसे नेशनल हीरो कहा जाने लगा था। मित्रों, एलिजाबेथ के बारे में कहा जाता है कि वो गांव से लड़कियों को अपने महल में काम देने के बहाने से बुलाती थी और उनके महल में आने पर उनको अपना शिकार बनाती थी। हंगरी के बादशाह को जब एलिजाबेथ की इस हरकत का पता चला तो उन्होंने इस पर जाँच के आदेश दिए। जब जाँच करने वाले अधिकारी एलिजाबेथ से सवाल जवाब करने उसके महल पहुँचे तो उनको वहाँ लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के ढेर सारे जेवर मिले। सन 1610 में एलिजाबेथ को उसके भैंसियाना जुर्म के लिए दोषी करार देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया और फिर एलिजाबेथ को उसी के महल के एक कमरे में कैद कर लिया गया, जहाँ चार साल बाद सन 1614 में उसकी मौत हो गई। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।